मेरी ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, होपफुली वो आ जाए। कैब जस्ट 2 मिनट में ही आने वाली है तो चलें। हेलो, चलो हम लोग रेडी होके चश्मे वश्मे लगा के निकल लिए थे स्कूटी पे, बट रास्ते में आ गई बारिश। दिवाली की लाइट्स लगाने के लिए बंदे आ गए हैं और हॉल में लग चुकी हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज नीतू वर्मा और आप देख रहे हो LOV लाइफ ऑफ वर्माज, हमारा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी अभी शॉपिंग पे जाने के लिए। आज धनतेरस है तो कुछ छोटा मोटा खरीद लाएंगे मार्केट से। आज मौसम तो नहीं है जाने का क्योंकि बहुत ज्यादा ही सुबह बारिश हुई है। अभी भी ठंडा मौसम हो रहा है और शायद बारिश आ सकती है। ज़्यादा शॉपिंग करने तो नहीं जा पाएंगे, बस एक दो जगह जाऊंगी, जितना मुझसे हो पाएगा आज मैं कर लूँगी शॉपिंग। बाकी कल विजय जी के साथ शॉपिंग करेंगे, जो कुछ भी बच जाएगा लाने के लिए। और अभी मेरे साथ जा रही हैं अमरीन, वो हो रही हैं रेडी। आज विजय जी गए हैं दिल्ली डबिंग के लिए, कल परसों हम लोग भी गए थे, मेरी डबिंग हो चुकी है नेक्स्ट मूवी के लिए और आज होनी है विजय जी की डबिंग, तो आज वो वहीं बिजी हैं। अभी हम निकलते हैं थोड़ी देर में, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और एक और एरोप्लेन आ गई, स्टार्टिंग में भी आ गई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है वैसे, जो धुआं धुआं हो रहा था दिल्ली में और गुड़गांव में और हर जगह, वो आज थोड़ा सा कम हो गया है पोल्यूशन बारिश की वजह से, और आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। बाकी सर्दी तो शायद बढ़ने वाली है जल्दी। गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर देखते हैं शॉपिंग क्या क्या करनी है और क्या क्या हो पाती है आज। और अच्छी खासी शॉपिंग सोच के चल रही हूँ, अगर हो पाई तो, और नहीं हो पाई तो फिर कल करेंगे। तो हैप्पी धनतेरस गाइस। ये रही अमरीन, मिलो। हाय गाइस, कैसे हो गाइस? और श्री महाराज मूवी देखे कि नहीं कमेंट में बता देना। और अभी हम जाएंगे मॉल शॉपिंग करने, किस लिए? दिवाली के लिए। हाँ, दिवाली के लिए शॉपिंग करने। मेरी ड्रेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, होपफुली वो आ जाए दिवाली से पहले पहले, नहीं तो फिर हमें उसके एक दिन दो दिन पहले जाना पड़ेगा। दिवाली परसों ही है ना? फिर हमें कल जाना पड़ेगा, अगर कल तक नहीं आई ड्रेस तो हमें कल लेने जाना पड़ेगा और फिर मैं लेके आऊंगी ड्रेस को। तो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं शूटिंग निकल रहा था मुँह से, अभी जस्ट निकल रहे हैं। मैंने कैब बुक कर दी है, इतने दिन से लाइटें लगवानी थी तो लाइटें लग ही नहीं पा रही थी। लाइटें तो आ गई थी, कल परसों आ गई थी लाइटें जो बालकनी में लगेंगी सारी दिवाली वाली लाइट्स। आज बंदे को बुलाया है, फाइनली इलेक्ट्रिशियन लगा के जाएगा, अभी 6 बजे वो आ जाएगा। शायद आधी होगा उस टाइम पे घर पे, हम तो नहीं होंगे, हम बाद में आ जाएंगे। अगर शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है तो पहले आ जाएंगे, नहीं तो हम बाद में आ जाएंगे। तो अमरीन और मैं रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, कैब जस्ट 2 मिनट में ही आने वाली है तो चलें। चलो चलो चलते हैं। गाइज, हम लोग निकलने वाले थे शॉपिंग के लिए और आ गई है बहुत तेज बारिश, अभी तो कम हो गई है। तो गाइज, कैब तो बुक नहीं हो पा रही थी क्योंकि आज शायद बुकिंग ज़्यादा है कैब की, तो बार बार कैंसिल भी कर रहे थे। तो हम लोग निकले स्कूटी पे, तो स्कूटी पे निकले तो गेट तक पहुँचे ही थे कि तो इतनी देर में ही बारिश आ गई, तो फिर हम लोग आ गए वापस। और अमरीन तो बैठे अभी भी मास्क लगा के, काश मुझे कोई छोड़ दे शॉपिंग के लिए। अगर गाइस 6 बजे से पहले हम नहीं जा पाए तो फिर हम नहीं जाएंगे, फिर हम कल चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि ना 6 बजे अमरीन का खेलने का टाइम हो जाता है, तो अगर आज शॉपिंग नहीं हो पाई तो कल पे ही पोस्टपोन करना पड़ेगा शॉपिंग का। धनतेरस की तो सोचा शॉपिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं धनतेरस पे, मैं ऑनलाइन ब्लिंकिट से मंगवा लूँगी वो। तो अभी तो बहुत अजीब सा ही मौसम हो गया, बहुत ठंडा भी हो गया। मैं स्कूटी पर निकली तब मैं एकदम से कांप गई थी, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी मेरे को, और अभी हो गया है बहुत ज़्यादा ही अजीब सा मौसम। ये कैमरे में तो नहीं दिख पाएगा आप लोगों को, देखो फिर वही पोल्यूशन टाइप, धुआं धुआं सा काफ़ी दूर तो दिखाई दे रहा है। तो गाइस, नहीं जा पाए शॉपिंग पे, मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर जा पाए तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं जा पाए तो फिर नहीं दिखा पाएंगे। हम लोग रेडी होके चश्मे वश्मे लगा के निकल लिए थे स्कूटी पे, बट रास्ते में आ गई बारिश, तो कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारे घर में लग रही है लाइट्स, फाइनली दिवाली की लाइट्स लगाने के लिए बंदे आ गए हैं और हॉल में लग चुकी हैं। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ हॉल कैसा लग रहा है। वहाँ पे विजय जी ने पसंद की थी कि पिंक टाइप की पिंक लाइट्स लगवानी है, तो पिंक लाइट्स लग चुकी हैं गाइज, ये देखिए अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है कलर। ये हॉल की बालकनी में हमने लगवाई है, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे रूम की बालकनी में लग रही है लाइट्स, वो दिखा देती हूँ अभी, तो अच्छी लग रही है फाइनली। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार सोसाइटी कैसी लग रही है,
तो सोसाइटी देख लेते हैं एक बार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे रूम की बालकनी कैसी लग रही है, तो देख लीजिएगा। इस अभी बंदे लगाई रहे लाइट्स वहाँ पे, मिल गई। तो गाइज इस तरह से हमारे घर में लग रही है लाइट्स, और अभी दो रूम की लग चुकी हैं, एक हॉल की और एक बेडरूम की लग चुकी हैं। मास्टर बेडरूम रहता है, अभी ये वाली बालकनी हमारी रहती है, यहाँ पे लाइट्स लगेंगी। ये देखिए ये वाली जगह पड़ी है अभी खाली, और ये देखिए बाकी लोगों के घर कैसे लग रहे हैं। मस्त मस्त वाइब्स आ रही हैं गाइज दिवाली की। और ये है हमारा क्लब हाउस, और ये हमारी एंट्रेंस, ये हमारे वाले टावर की एंट्रेंस है, और हर एक टावर की एंट्रेंस पे बहुत अच्छी लाइटें लगाई गई हैं गाइज। और फाइनली हमारे घर भी आज लग जाएगी, तो आमरीन देखेगी तो बड़ा अच्छा लगने वाला है, और विजय जी को भी बहुत अच्छा लगेगा जब वो देखेंगे। और आदि तो मेरे साथ में ही है, उसने देख ली, उसको अच्छी लगी। और अभी मैं कर चुकी हूँ आज की पूजा, धनतेरस की जो पूजा होती है वो मैं कर चुकी हूँ। अभी आप टीका देख रहे होंगे मेरे माथे पे। और शॉपिंग गाइज नहीं हो पाई आज इतनी, जो धनतेरस पे नीड थी जिन चीज़ों की, जो होता है कि मंगवाना चाहिए, वो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया सब कुछ। इवन चांदी का सिक्का भी मिल जाता है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तो मैंने ऑनलाइन वो सब मंगवा लिया है। बारिश की वजह से नहीं जा पाए हम लोग, तो कल जो शॉपिंग करनी है वो कल करेंगे, अब तो नहीं हो पाई आज तो कोई नहीं गाइज, तो लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइज अभी सिर्फ दो ही बालकनी की लग पाई है वो लाइट्स, क्योंकि वो लोग लेट हो रहे थे काफ़ी, उनकी ड्यूटी है अभी 9 बजे फिर से सोसाइटी में ही, तो इस वजह से वो लोग अभी चले गए हैं। और जो एक बालकनी मास्टर बेडरूम की बच गई है वो कल लगाएंगे यहाँ पे लाइट, शायद सुबह आ जाएंगे 10-11 बजे, यानी तो फिर शाम को आएंगे कल। तो अभी वो बात हो गई है मेरी उन लोगों से, तो एक बालकनी रहेगी गाइज, और दो में लग चुकी है। कल मैं इकट्ठी आपको दो आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन तो हमने डलवाया नहीं है, नॉर्मली लाइट लगवाई हैं। बच्चों की ज़िद थी कि हमारे घर भी लाइट्स लगवा, बाकी सब के यहाँ लगी हुई है। वैसे तो हम हर साल ही लगाते हैं, और इस न्यू घर में तो इस बार काफ़ी अच्छे से लग रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ आप लोगों की दिवाली कैसी निकल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या तैयारियाँ, किस किस के घर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं मुझे ज़रूर बताना, मज़ा नहीं होगा। गाइज तो मैंने आज का डिनर बना लिया है, आज आदि ने बोला था कि इसको पनीर खाना है, पनीर की भुज्जी, और मैंने कर ली है रेडी। मैंने पनीर की भुज्जी में क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया गाइज, मैंने इसमें डाल दी सूखी मेथी, अब पता नहीं कैसा टेस्ट आने वाला है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी बनी तो नहीं है, रेडी नहीं हुई अभी, जब बन जाएगी तब खाएंगे तब पता चलेगा कि क्या बना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी शक्ल दिखा देती हूँ कैसी बनी है, ये देखो। ये देखिए गाइस, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही है ना, ये मैंने मेथी डाल दी इसमें सूखी, तो पता नहीं कैसा टेस्ट आने वाला, खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, बाकी खाएंगे तब पता चलेगा कि कैसी बनी है। और मैं लाइटिंग दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है, ये देखो मस्त लग रही है लाइटिंग। तो गाइस डिनर रेडी हो गया है, बच्चे घर आने वाले हैं, आदि जिम से आने ही वाला है अभी थोड़ी देर में, और अमरीन भी आने वाली है खेल के, तो फिर अमरीन आती है फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। और गाइस जिसने श्रीमान राजवीर मूवी नहीं देखी है, जिन जिन लोगों ने, वो प्लीज़ देख लो, अच्छे अच्छे कमेंट करो गाइस यूट्यूब पे, तो गाइस इंस्टाग्राम पे भी शेयर करो आप मूवी को, आप लिंक लगाइए और मेंशन कीजिए, हम मेंशन बैक करेंगे आप लोगों को। मूवी के लिए कमेंट ज़रूर करें, और अमरीन का काम कैसा लगा ज़रूर बताना। और अभी तक काफ़ी तारीफ हो रही है मूवी की, तो सबको पसंद ही आ रही है मूवी, अच्छी लग रही है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मूवी को, ताकि और भी मूवी हम आगे से आगे ला सकें आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, सोनोटेक मूवीज़ को, उस पर ही विजय वर्मा जी के प्रोजेक्ट आएंगे नेक्स्ट। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। गाइज अमरीन आ गई है खेल के अभी थोड़ी देर पहले ही, हाँ बहुत देर हो गई होगी, क्या बात हो गई ऐसी है, आई तो लेट ही है। तो आज पता है मैंने क्या बनाया, पनीर की भुज्जी, पनीर की भुज्जी में एक्सपेरिमेंट कर दिया आज मैंने, डाल दी उसमें मेथी, सूखी मेथी, तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, दिखाओ। ये देखो बहुत टेस्टी बनी है, वैसे तो अच्छी बनी है, तो खाने में भी अच्छी लगने वाली है, ऐसी बात नहीं है, टेस्टी खाने में ही होती है। नहीं
दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए ना, तो दिखने में तो अच्छी लग ही रही है, खाने में भी अच्छी लगेगी। तो अमरीन खा ले खाना। अब हो गया काफी लेट, तो विजय जी तो गाइस विजय जी तो आज आने वाले हैं नहीं, वो आज डबिंग में ही बिजी है, वहां पे डबिंग कम्प्लीट नहीं हो पाई है, तो वो है वहीं पे, हम लेंगे पनीर के मजे मजे तो लेंगे, पर यूं नहीं पता ना बनी कैसी है सब्जी, आई होप सो अच्छी बनी होगी, पनीर भुजी है तो सबको ही पसंद है घर में, तो अच्छी बनी की भुजी नहीं है गाइस पनीर की। अरे यार ये बोलने की जरूरत है ही नहीं ना, हम तो खाते ही नहीं ना, पनीर भुजी कह रहे हैं हम तब से ही, पनीर भुजी कह रहे हैं हम तो, खाते ही नहीं नॉन वेज वगैरह कुछ भी नहीं, अंडा वंडा कुछ नहीं खाते हम लोग, तो बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, तो अब चख लेते हैं गाइस। काफी कंट्रोल हो गया, बच्चे घर लेट आए हैं तो मैंने सोचा कि उनके आने के बाद ही खाऊंगी मैं भी, वैसे भी हम लोग साथ में ही खाते हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे घूमने के लिए, और मैं हाफ स्लीव विदाउट स्लीव पहन के आई हूँ, मेरे को इतनी ठंड लग रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्या बताऊं आज हो रहा है ठंडा मौसम, बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम, और मेरे को इसी में ठंड लग रही है, तो मम्मी को तो लगेगी, ये तो फिर भी उड्डी उड्डी पहन के आई है, बस बॉम पहन के आई है, मेरा तो बिल्कुल ही सूट है, वो भी कट स्लीव है, और हम लोग निकले थे सोसाइटी देखने के लिए, आप लोगों को अभी दिखाते हैं, देखो यहाँ से सोसाइटी मस्त लग रही है गाइस, क्लियर तो नहीं आ रहा है रात की वजह से, और ये इधर क्लब हाउस, यहाँ से घूमते हुए हम लोग घर निकल जाएंगे, ठीक है बेटा। मैं मेरे को ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा, मैं ढंग से कुछ पहन के नहीं आई ना इस वजह से, तो ये देखो यहाँ हमारी ऊपर यहाँ पे हमारी जिम है, यहाँ पे अभी तो सब क्लोज है क्योंकि सब घर चले गए, क्लब हाउस ऑफ है, 10 o'clock हाँ रात को 10 बजे बंद हो जाता है। अभी यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको, देखो तो गाइस ज्यादा लाइटिंग हुई है क्लब हाउस में, मस्त फुल सजा रखे हैं इसको, अंदर से कोई आवाज आ रही है, कोई तो है अंदर इस टाइम पे एक ना एक बंदा तो रहता ही होगा, अभी रात के 11 बजे हुए हैं, हम नीचे घूमने आए हैं, लाइट चालू है उधर, हाँ अंदर तो है सिक्योरिटी गार्ड है, गार्ड है शायद अंदर, दिख गए एक बार यहाँ से भी व्यू दिखा देते ना, ये देखो ऐसा लग रहा है कोई शादी वाला घर है बड़ा सा, क्या लग रहा है शादी वाला घर कोई बड़ा, हर जगह एंट्रेंस पे भी ऐसे लगा रखा है, हर एक टावर में, यहाँ पे भी मस्त वाइब्स हैं, यहाँ मस्त वाइब्स हैं दिवाली की, गजब, उधर नहीं इतना आगे नहीं जाएंगे, वापस घर चलते हैं, बस थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे, देखने के लिए कैसी लाइटिंग हुई है, स्ट्रीट लाइटिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है, देखो ये देखो स्ट्रीट लाइटिंग, सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और जब तक ये ब्लॉग अगर शायद दिवाली आ गई हो, नहीं कल ही डाल दूंगी मैं तो, छोटी दिवाली पे ही डाल दूंगी ब्लॉग को, और हमारा घर भी दिख रहा है यहाँ से, और गाइस अभी तक ना एक चीज बताती हूँ, आप देखोगे तब तक घर, तो मेरा ना अभी तक फाइनल नहीं हुई है ड्रेसेस, ना मम्मी की ना मेरी, एंड मम्मी की तो हो गई शायद, मम्मी की हो गई है, मेरी नहीं हुई है गाइस, मेरी बिल्कुल नहीं हुई है, एंड मेरे को बहुत टेंशन हो रही है कि परसों दिवाली है मैं क्या पहनूंगी और कल तो छोटी दिवाली है, मेरे पास कल भी कुछ पहनने के लिए नहीं है, ना मेरे पास परसों कुछ पहनने के लिए कपड़े बहुत हैं एक्चुअली गाइस, पता है क्या कुछ नया पहनने को चाहिए होता है, तो वो नया लाना बाकी है, तो कल विजय जी आ जाएंगे, अगर उनको टाइम लगा तो ठीक है, वरना हम लोग मिशन पे निकलेंगे कल दिवाली का सामान खरीदेंगे, ड्रेस ऑर्डर कर दी है बट वो अभी आई नहीं है, और मेरे को लग भी नहीं रहा वो दिवाली तक आ जाएगी, तो अगर दिवाली तक नहीं आई, कल तक नहीं आई ऑलमोस्ट 4-5 बजे के आसपास, तो फिर हम ले लेंगे अपनी ड्रेस, कल तो फाइनल है हम ले नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे को मुश्किल लग रहा है कल तक आएगी नहीं ऑनलाइन वाली ड्रेस, तो कल चलते हैं लेने के लिए। गाइस अमरीन ने ना मेरे को अलग लिफ्ट में डाल दिया और बोल रही है कि देखते मम्मी पहले कौन जाएगा, वो अलग लिफ्ट से आ रही है, मैं अलग लिफ्ट से आ रही हूँ, और मेरे को उसने बाद में भेजा है, वो पहले निकल गई है और वही पहले पहुंचेगी ऑब्वियसली, नेचुरल सी बात है, तो देखते हैं, देख लो पहले से ही खड़ी है, पहले से ही देख लो ये इसकी चाल है, ये देखो गाइस बच्चों ने क्या हाल कर रखे हैं यहाँ पे, पोपो बोलते हैं बच्चों में, मैं नहीं आती, पोपो बजा रखे हैं बच्चों ने, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।